इस वीडियो में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 3E के क्वेश्चन नंबर 36 है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 36 है, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 35 को किया है तो ये बिल्कुल वैसे ही है। अगर आपने 35 नहीं किया है तो आप पिछली वीडियो को देखो, क्वेश्चन नंबर 35 को समझो, फिर इस पे आओ, क्योंकि उससे थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है। ठीक है, तो चलो, यहाँ पर क्वेश्चन 36 कह रहा, अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 13 आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड दैट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। अब देखो, क्वेश्चन ने यहाँ पर दो वर्ड्स का यूज किया, एक अप स्ट्रीम है, दूसरा है डाउन स्ट्रीम। अब ये अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम है क्या, पहले तो ये समझेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है। देखो, एक बोट है जो कि पानी में चल रही है, ठीक है, ऐसे इसको थोड़ा समझना। ओके, ये देखो, अगर हम लोगों की जो बोट है वो इधर जा रही है और जो हमारा पानी का बहाव है ना वो इस तरफ जा रहा है, जो फ्लो है पानी का वो इस तरफ जा रहा है, तो इस केस में हम लोग इसे बोलते हैं अप स्ट्रीम बोलते हैं। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में पानी जा रहा है और बोट जा रही है हमारी, तो अप स्ट्रीम बोलेंगे। ठीक है, अब अगर हमारे पास सेम डायरेक्शन में पानी जा रहा है और सेम ही डायरेक्शन में हमारी नाव जा रही है तो उसे बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। अब यहाँ पर समझना, जो ये पानी है इसकी भी कोई ना कोई स्पीड तो होगी, है ना, इसको मान लो वाई, और जो ये हमारे पास बोट है इसकी ना कोई ना कोई स्पीड होगी, इसकी स्पीड मान लिया एक्स। अब जब कभी भी हमारी स्ट्रीम अप स्ट्रीम होती है, मतलब कि हमारा पानी अलग तरफ जा रहा होता है और हमारी बोट अलग तरफ जा रही होती, उस केस में जो इसकी स्पीड होती है वो x माइनस वाई होती है, क्योंकि मान लो आप आगे की तरफ जा रहे हो और आगे की तरफ से आपको कोई पुश कर रहा है पीछे की तरफ, तो आपकी स्पीड चाह के भी तेज़ नहीं हो पाएगी ना, क्योंकि कोई पुश कर रहा है, वाई काम इसमें भी हो रहा है, पानी पीछे की ओर भेज रहा है और ये नाव आगे की तरफ जा रही है, तो इसकी जो स्पीड बनती है वो x माइनस वाई बनती है अप स्ट्रीम में। और डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, डाउन स्ट्रीम में हमारी जो स्पीड होगी ना वो x प्लस वाई हो जाती है, क्योंकि पानी भी उसी तरफ भाग रहा है और नाव भी उस तरफ भाग रही, तो क्या होता है कि थोड़ी ज़्यादा ताकत मिल जाती है आगे जाने के लिए। तो ये तो हो गया हमारा बेसिक जो कि हमें समझना था। चलो अब क्वेश्चन को सॉल्व करने पर आते हैं। तो क्वेश्चन जो 36 है, इसमें पूछा क्या गया, इसमें पूछा गया फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, इसकी स्पीड पूछी ली गई है, एंड डैट ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में जो बोट चल रही है उसकी हमें स्पीड पूछ ली गई है और हमारे पास जो स्ट्रीम है उसकी बोट पूछ ली गई है। चलो, दोनों को हम लोग सबसे पहले लेट करेंगे, जो भी चीज़ क्वेश्चन पूछता है उसको हमेशा लेट करो सबसे पहले। तो यहाँ पर लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ बोट, ठीक है, इन स्टिल वाटर में जो इनकी स्पीड है ना बोट की, उसको लेट कर लिया हमने यहाँ पर एक्स किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ पर लेट कर लिया लेट द स्पीड ऑफ स्टीम। ठीक है, स्टीम का मतलब क्या हो रहा है, जो ये पानी है ना बह रहा, इसे हम लोग स्टीम बोलेंगे। ठीक है, स्टीम इक्वल्स टू वाई किलोमीटर पर आर, इतनी बात क्लियर है। तो हमने यहाँ पर पानी की स्पीड मान ली वाई और जो हमारे पास बोट है इसकी स्पीड मान ली एक्स। ठीक है, चलो, अब क्वेश्चन ने यहाँ पर बात किया था, अब बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो यहाँ पर अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की यहाँ पर क्वेश्चन ने बात की। तो पहले हम यहाँ पर एक चीज़ बता देते हैं कि जो हमारा स्पीड होगी, स्पीड ऑफ बोट यहाँ कर दिया हमने एट डाउन स्ट्रीम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम कर दिया, वो होगी हमारे पास x प्लस वाई होगी, ये हमेशा याद रखना। और जो स्पीड होगी किसी बोट की, किस पे डाउन अप स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम, वो हो जाएगी हमारे पास x माइनस वाई होगी। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, चलो, अब हमें यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा किसका, डिस्टेंस का फॉर्मूला। डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है स्पीड इंटू टाइम होता है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये देखो, मल्टीप्लाई इधर भेज दो तो किसमें हो जाए, डिवाइड में, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल्स टू टाइम हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो, अब क्वेश्चन को पढ़ते जाओ और करते जाओ। क्वेश्चन ने कहा कि अब बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर। 10 घंटे में उसने 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम कवर किया है और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम कवर कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कवर। ठीक है, लिख दिया टोटल, यहाँ लिख दिया हमने डिस्टेंस कवर। ठीक है,
टोटल डिस्टेंस कवर इक्वल्स टू हमने कर दिया 10 आवर, 10 घंटे में उसने टोटल डिस्टेंस कवर किए। अब जो पहली डिस्टेंस कवर की उसने कितने की, 30 किलोमीटर की कवर की, वो भी कवर किस में की, अप स्ट्रीम में की। अप स्ट्रीम हमारे पास ये है, ठीक है, तो यहाँ पर टाइम ये है टी, डिस्टेंस कितनी उसने कवर की, यहाँ पर 30 कवर की, और यहाँ पर एस कितना हो गया भैया, स्पीड, और स्पीड हमने क्या बताया, क्या होगा, एक्स माइनस वाई हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 30 एक्स माइनस वाई आ गया, ये क्या हो गया, टाइम टेकन टू कवर 30 किलोमीटर बाई अप स्ट्रीम हो गया, ठीक है। प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, अब क्वेश्चन ने कहा था 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम से किए, डाउन स्ट्रीम ये है, तो डाउन स्ट्रीम हमारे पास क्या होगी, x प्लस वाई होगी। इसी फॉर्मूले में फिर से रख दो, टाइम टेकन इक्वल्स टू डिस्टेंस कितनी कवर की, 44 अपॉन क्या है, स्पीड, स्पीड हमारे पास क्या होगी, x प्लस वाई, तो यहाँ पर कर दिया x प्लस वाई हो गया, तो यहाँ पर कर दिया 44 डिवाइड में आ गया हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 10। तो यहाँ पर क्या था, टोटल डिस्टेंस कवर है ना, टोटल डिस्टेंस उसने कवर की थी कितने में, 10 घंटे में की थी, और यहाँ पर इन दोनों को ऐड किया, इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 10। इतनी बात क्लियर है। तो अब इसको हम लोग अगर सॉल्व करें तो यहाँ पर हमारे पास सॉल्व करने में क्या आ जाएगा, x माइनस वाई है और यहाँ पर x प्लस वाई है, ठीक है। इसको अभी ऐसे रहने देते हैं, इसको बोल देते हैं ये हमारे पास पहली इक्वेशन है, इसको अभी ज़्यादा नहीं सॉल्व करते, इसको बोल देते हैं पहली इक्वेशन है। अब इसी तरह दूसरी वाली इक्वेशन में आ जाओ, इसमें क्वेश्चन ने क्या कहा है कि हमारे पास इट कैन गोस 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ठीक है, 40 किलोमीटर वो किस में जा रहा है, अप स्ट्रीम में जा रहा है, ठीक है। तो फिर से आ जाते हैं, तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब 40 किलोमीटर उसने क्या किया, अप स्ट्रीम में वो गया हुआ है, तो यहाँ पर हो गया 40 बाई एक्स माइनस हमारे पास हो जाएगा वाई। अब यहाँ पर एक्स माइनस वाई कैसे आ रहा है, ये देखो, ये अप स्ट्रीम है, उसने डिस्टेंस कितनी कवर की है, 40 की, तो यहाँ कर दिया 40 डिवाइड में क्या, एस, एस मतलब क्या है, स्पीड, स्पीड अप स्ट्रीम की क्या होती है, एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई, ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया 40 अपॉन एक्स माइनस वाई, क्लियर हो गया। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डाउन स्ट्रीम में उसने कितनी कवर की, 55 की, तो यहाँ पर 55 अपॉन एक्स प्लस वाई हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू जो टोटल डिस्टेंस थी वो कितनी थी, कितने घंटे में की उसने, 13 आवर्स में उसने कर ली, ये हो गया हमारे पास, और इसको हम लोग बोल देते हैं ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। अच्छा, अब इसमें देखो कि हमारे पास एक्स माइनस वाई यहाँ भी है, एक्स प्लस वाई यहाँ पर भी है, एक्स माइनस वाई यहाँ पर भी है, एक्स प्लस वाई यहाँ पर है। अगर हम लोग इसको ऐसे ही सॉल्व करने बैठेंगे ना तो ये बहुत बड़ी इक्वेशन बन जाएगी, सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। तो हमें इसमें करना क्या, याद करो एक्सरसाइज 3B में हम लोग कुछ करते थे, जब इस तरीके का हमारे पास क्वेश्चन होता था, हम लोग क्या करते थे कि हम लोग यहाँ पर लेट कर लेते थे 1 अपॉन x माइनस वाई इक्वल्स टू यू के बराबर, और 1 अपॉन x प्लस वाई इक्वल्स टू वी के बराबर, ये लेट कर लेते थे। तो हमारे पास जो इक्वेशन हमारी बन जाएगी वो बन जाएगी 30 u प्लस यहाँ पर हो जाएगी 44 हमारे पास v इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 10। यहाँ पर x प्लस वाई है ना, इसकी जगह पे u पुट कर दिया और यहाँ पर हो गया हमारे पास v, क्लियर हो गया। इतनी बात इसी में आ जाओ, इसमें हो जाएगा हमारे पास 40 u और यहाँ पर हो गया हमारे पास 55 v इक्वल्स टू हो गया हमारे पास यहाँ पर 13, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन है, अब इन दो इक्वेशन से हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, और x और y की वैल्यू निकालने से पहले हम लोग u और v की वैल्यू निकालेंगे। u v वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, किसी ना किसी को एक जैसा हमें बनाना पड़ेगा। तो देखो, इन दोनों को इक्वल करना ज़्यादा हमें ईजी लग रहा है, तो हम लोग इन्हीं दोनों को इक्वल कर लेंगे। कैसे, अगर हम लोग 4 का मल्टीप्लाई पूरे में कर दें ऊपर और 3 का मल्टीप्लाई पूरा कर दे नीचे वाले में, तो ये दोनों हमारे पास इक्वल हो जाएंगे। देखो कैसे, यहाँ लिखा मल्टीप्लाई बाई, यहाँ कर दिया हमने 3, इन इक्वेशन कर दिया हमने फर्स्ट, एंड हमने कर दिया 4, इन इक्वेशन हमने कर दिया सेकंड, ठीक है। तो 4 का करेंगे पहली वाली इक्वेशन में, 3 का करेंगे दूसरी वाली इक्वेशन में। तो पहली वाली इक्वेशन में 4 का मल्टीप्लाई करो, तो 3 4 12 120 u, 4 से करोगे 4 4 16, और यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 4 हमारे पास हो गया 16 6, 4 4 16, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 17 176, यहाँ पर आ गया हमारे पास v, ठीक है। इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 100, यहाँ पर आ गया हमारे पास 10, ठीक है। चलो अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर 3 का हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 4 हो जाएगा हमारे पास 12, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 120 u प्लस, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 3 से 3 5 15 3 5 16 16 आ गया,
और यहाँ पर आ गया हमारे पास, ओके इसमें तो भी तो होगा, तो ये होगा 40 और ये हो जाएगा हमारे पास किसका, ओके 3 से करेंगे तो यहाँ पर 39 ये आ गया हमारे पास। अब देखो ये दो हमें इक्वेशन मिल गई, बट यहाँ पर ये दोनों इक्वेशन हमारे पास मिली हैं और इन दोनों के आगे जो वी दिख रही, यू दिख रहा है ना, ये यू एक जैसा है और इनके आगे जो साइन है वो प्लस का। जब भी साइन प्लस का होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब साइन एक जैसे हैं तो सब्ट्रैक्ट करो, अलग अलग हैं तो ऐड करो। तो सब्ट्रैक्ट करने में ये कैंसिल, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1, यहाँ पर 1 यू, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ओके 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर यू कितना मिल गया, 1 अपॉन, यहाँ हमें को मिल जाएगा 11, हमको यहाँ पर मिल गया 1/11। ओके ये हमारे पास यू नहीं वी है, ठीक है, ये थोड़ा सा गलत हमने लिख दिया। तो हमें यहाँ पर वी कितना मिल गया, 1/11 मिल गया, इतनी बात क्लियर हो गई। अब हमें वी मिल चुका है, अब इस वी को उठाएंगे और इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, ठीक है, इन दोनों में नहीं पुट करेंगे हम लोग, पुट कर देंगे इन दोनों इक्वेशन में। तो यहाँ पर लिखा हमने पुटिंग, यहाँ कर दिया हमने पुटिंग, वी इक्वल्स टू 1/11, इन इक्वेशन हमने बोल दिया है भैया, कौन सी इक्वेशन है हमारे पास, ये है हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट, पहली वाली इक्वेशन में बोल दिया, ठीक है, इसमें, तो इसको फर्स्ट, हाँ चलो फर्स्ट ही रहने दो इसे। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 30 u प्लस 44 इंटू वी की जगह पे हो गया 11 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 10। इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर आ गया 30 u, ये देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा प्लस का, इधर चला जाएगा माइनस का, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 10 माइनस 4, तो यहाँ पर u इक्वल्स टू हो गया 6, यहाँ पर हो गया 30 और 30 हो गया, तो यहाँ पर आ गया 1/5। तो हमको यहाँ पर u मिल गया है 1/5, ठीक है। अब देखो u की भी वैल्यू निकल गई और हमें v की वैल्यू भी पता चल गई, तो हम लोग क्या करते हैं, इस u और v को हमने क्या लेट किया था, 1/x - y और 1/x + y, ये लेट किया था ना, चलो अब इसको हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। हमने क्या लेट किया था कि जो 1/x - y है वो बराबर है किसके, u के, और 1/x + y है ये बराबर है v के। तो हमने यहाँ लिखा 1/x + y लिख दिया, सॉरी x - y, और ये बराबर हो जाएगा v के ना, u के, u हमारे पास कितना आया है इस समय 1/5 है, तो 1/5 कर दिया। इसको सॉल्व करोगे तो 5 इक्वल्स टू आ गया हमारे पास x - y। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर v हमने कितना निकाला है 11, 1/11, और ये हो गया हमारे 1/x + y, तो ये हो जाएगा हमारे पास x + y इक्वल्स टू 11, ये आ गया, ठीक है। तो x + y हमें यहाँ पर 11 मिल गया और x - y हमें यहाँ पर 5 मिल गया, इतनी बात क्लियर है। इसको हम लोग बोल देंगे ये हमारे पास तीसरी इक्वेशन है, और इसको बोल दो ये हमारे पास चौथी इक्वेशन है। अब इन तीसरी और चौथी इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, और ऐड कर देंगे। तो यहाँ लिखा एडिंग इक्वेशन, यहाँ कर दिया थर्ड एंड हमने यहाँ पर कर दिया फोर्थ, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा देखो x + x, यहाँ पर हो गया 2x, और y, और से ये y हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर इन दोनों को ऐड करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16 और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x = 8। तो हमें x की वैल्यू यहाँ पर 8 मिल गई। अब क्या करो, इस x की वैल्यू को उठाओ और इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। तो हमने यहाँ लिखा पुटिंग, यहाँ कर दिया हमने पुटिंग x = 8, यहाँ कर दिया इन इक्वेशन, हमने कर दिया थर्ड। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास जो इक्वेशन थर्ड थी वो x - y = थी हमारे पास 5, तो यहाँ पर आ गया 8 - y = 5, यहाँ पर 8, ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, ये माइनस का इधर चला जाएगा प्लस का, तो यहाँ पर आ गया 3। तो y = हमको आ गया यहाँ पर मिल गया 3 और हमें यहाँ पर x = मिल गया है 8, क्लियर है। x और y हमको यहाँ पर मिल चुका है, देखो यहाँ पर ना हमने x ही लेट किया था और y लेट किया था, तो इसका मतलब हमें x और y की वैल्यू मिल गई। और x हमने क्या लेट किया था, हमारे पास क्या था, बोट की स्पीड, जो कि हमको यहाँ पर मिल चुकी है कितनी, यहाँ पर 8 किलोमीटर मिल गए, तो यहाँ पर लिख दो 8, और यहाँ पर ये मिल गए हमारे पास 3 किलोमीटर। बस ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो ये क्वेश्चन तो काफ़ी बड़ा है ना, काफ़ी लेंदी है, एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे खूब अच्छे से तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 37, अ टू मैन एंड 5 बॉयज कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 4 डेज व्हाइल 3 मैन एंड 6 बॉयज कैन फिनिश इट इन 3 डेज। फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 मैन अलोन टू फिनिश द वर्क एंड दैट टेकन बाय 1 बॉय अलोन टू फिनिश द वर्क।
क्वेश्चन कह रहा है कि भैया दो मैन और पांच बॉयज मिलके किसी काम को 4 दिन में कंप्लीट कर देते हैं, और फिर 3 आदमी और 6 लड़के मिलके किसी काम को 3 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। तो क्वेश्चन ने ये पूछा है कि भैया अगर एक आदमी और एक बॉय काम को कंप्लीट करेगा तो उसे कितना टाइम लगेगा, कितने डेज में वो पूरे काम को अकेले कंप्लीट कर पाएगा। बात समझ भाई, फिर समझो, क्वेश्चन ने यहाँ पर पूछा है कि अगर एक आदमी इसी काम को करेगा तो कितने डेज में वो कंप्लीट कर पाएगा, अगर एक बॉय इसी काम को करेगा तो वो कितने डेज में कर पाएगा, ये क्वेश्चन ने पूछा है। हमने हमेशा आपको बताया कि जो भी चीज़ क्वेश्चन पूछेगा उसे हमें सबसे पहले लेट करना पड़ता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन ने हमसे जो भी पूछा ना उसको हम लोग सबसे पहले लेट कर लेंगे। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि एक आदमी और एक लड़का अकेले काम कितने दिन में कर लेगा, ये पूछा है ना, तो सबसे पहले इसी को लेट कर लो। लेट वन मैन, यहाँ कर दिया हमने फिनिश वर्क इन, कर दिया हमने एक्स डेज, इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर कर दिया लेट वन बॉय, यहाँ हो गया हमारे पास फिनिश वर्क इन वाई, यहाँ कर दिया हमने डेज। मतलब कहने का है कि भैया एक आदमी अगर अकेले काम करेगा तो एक्स डेज में कर लेगा, और एक लड़का अकेले काम करेगा तो वाई डेज में वो काम को कंप्लीट कर लेगा। अगर हम बात करें कि एक दिन में ये कितना काम कंप्लीट कर पा रहा है तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे वन मैन, यहाँ कर दिया एक दिन में कितना काम कंप्लीट कर रहा है उसको हम लोग फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। अभी तो यहाँ लिखा वन मैन फिनिश वर्क, यहाँ कर दिया वर्क इन, कर दिया हमने वन डे, एक दिन में कितना काम करेगा भैया, ये हो जाएगा हमारे पास वन अपॉन एक्स, एक दिन का निकालेंगे तो वन अपॉन एक्स। इसी तरीके से हम लोग वन बॉय की बात करें, अगर वन बॉय काम को फिनिश कर रहा है एक दिन में तो कितना हो जाएगा भैया, वन बाई वाई, इतनी बात क्लियर हो गई। तो वन मैन फिनिश वर्क इन वन डे कितना करेगा, वन बाई एक्स और वन बाई वाई, ये यहाँ पर हमारा कर लेगा, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखो, अब क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझो। क्वेश्चन ने कहा है कि 2 men और 5 boys कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 4 डे, दो आदमी और 3 boys मिलके काम को कंप्लीट कर रहे हैं कितने दिन में, 4 दिन में। तो देखो हमने एक आदमी का निकाला, एक आदमी का 1/x है, दो आदमी का निकालो क्या होगा, 2/x आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या कहेंगे हम लोग, कहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पर अगर दो आदमी की बात की तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2/x प्लस 7 में काम किया है। तो अब क्वेश्चन ने कहा है कि भैया 5 हमारे पास बॉयज हैं तो 5 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5/y इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 4। 4 दिन में काम किया ना, वो 4 दिन है, हम लोग एक दिन का काम निकालेंगे तो 1/4 आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास, इतनी बात क्लियर है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे पास जो 1/x है ना वो बराबर है यू के, और हमारे पास 1/y बराबर है वो बराबर है वी के, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2u और प्लस हो जाएगा हमारे पास 5v इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 1/4 हो गया। 4 देखो डिवाइड में इधर चला जाएगा, इस पूरे के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर 4 2 8u प्लस 5 4 हो जाएगा हमारे पास 20v इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 1, ये हो गया हमारी पहली इक्वेशन, इतनी बात क्लियर है। अब इसी तरह हम लोग निकाल लेते हैं दूसरी इक्वेशन। तो अब आगे क्वेश्चन ने क्या कहा था, आगे क्वेश्चन ने कहा है कि भैया 3 men और 6 boys, 3 men की बात की जाएगी तो 3 का इसमें मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/x प्लस है ना, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 6 boys की बात की गई तो 6 का इसमें मल्टीप्लाई करो, 6/y हो गया इक्वल टू कितने दिन में काम को कंप्लीट कर पा रहे हैं, 3 दिन में कर रहे हैं, एक दिन का निकालेंगे तो 1/3 आ गया। अब इसको भी देखो हमने यहाँ पर लेट किया हुआ है, जो सेम वही चीज़ यहाँ पर हो गई, 3 यहाँ पर हो गई यू प्लस 6v इक्वल्स टू 1/3 यहाँ पर डिवाइड में इधर जाएगा तो इस पूरे के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 3 3 9u और 6 3 हो गया हमारे पास 18v इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 1, ये आ गया हमारे पास। अब इसको बोलो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन, ये बात समझ में आ गई, ये दोनों चीज़ समझ में आ गई। अब इसके आगे आ जाओ, अब हमने पहली और दूसरी इक्वेशन निकाल लिए, अब इस पहली और दूसरी इक्वेशन की हेल्प से हम लोग निकालेंगे क्या, हम लोग इसे फाइंड करेंगे भैया यू या वी की वैल्यू, किसी भी एक की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो चलो यहाँ पर दोनों इक्वेशन हम लिख देते हैं, यहाँ पर लिखा हमने 8u प्लस 20v इक्वल्स टू कर दिया हमने यहाँ पर 1, यहाँ पर हो गया हमारे पास 9u प्लस 18v इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 1, ये आ गया। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें कैसे भी करके u और v की वैल्यू को एक जैसा करना है, किसी भी एक ही कर दो, या फिर u u की कर दो या फिर v v कर दो। अगर हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर दे हम लोग किसका 9 का
और इसमें मल्टीप्लाई कर दे 8 का, तो ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे और कट जाएंगे, तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 9 इन इक्वेशन हमने कर दिया फर्स्ट, एंड 8 इन इक्वेशन हमने बोल दिया, यहाँ पर हमारे पास कितना है भैया 2 बोल दिया, ठीक है, ये हो गया। तो भैया इसमें हम लोग 9 का करेंगे, इस पूरे में करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, और इस पूरे में हम लोग करेंगे 8 का मल्टीप्लाई। तो हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 से करेंगे ओके 72, 72u, 9 2 18, 180b है ना, v आ गया इक्वल्स टू यहाँ पर आ गया 9, 8 से करेंगे तो यहाँ पर आ गया 72u, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 18 8 144v, यहाँ पर आ गया हमारे पास 8, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करो, देखो अब जो चीज़ हमारी सेम हुई है इसकी आगे साइन कैसे दिख रहे हैं, हमें प्लस के दिख रहे हैं, ये भी प्लस ये भी प्लस। जब भी हमारे साइन प्लस के होते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। साइन प्लस के होने का मतलब नहीं है, इसका मतलब ये है कि जब भी साइन हमारे एक जैसे होंगे तब हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर हमारे साइन अलग अलग होते तो हम लोग ऐड करते, ये हमेशा याद रखो। अब यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये कैंसिल, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 36, वी इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पर आ गया वी इक्वल्स टू 1 बाई 36, ये हमको यहाँ पर मिल चुका है v की वैल्यू। इतनी बात क्लियर होगी। अब हमें v की वैल्यू मिल गई, तो क्या करो, इस v की वैल्यू को उठाओ और इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दोगे तो हमें यहाँ पर u की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने यहाँ लिखा पुटिंग v इक्वल्स टू 1 बाई 36 इन इक्वेशन हमने कर दिया फर्स्ट, ठीक है, तो यहाँ पर 8u प्लस 20 इंटू 1 बाई 36 इक्वल्स टू 1, ये आ गया। अगर अब हम लोग इसको कैंसिल करें तो ये जा सकता है 2 से जाएगा 4 से चला जाएगा ना, 4 5 20, 4 9 36 हो गया, ठीक है, ये आ गया हमारे पास ओके। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 8u इक्वल्स टू यहाँ पर 1, इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो 5 बाई 9 आ गया, ये आ गया यहाँ पर 1, यहाँ पर 9 9 माइनस यहाँ पर हो गया हमारे पास 5, यहाँ पर 8u इक्वल्स टू, यहाँ लिखा हमने 8u इक्वल्स टू 4 बाई, यहाँ पर हो गया 9। अब देखो यहाँ पर क्या है, 4 बाई 9 है, ये हमारे पास 8 है मल्टीप्लाई में इधर चला जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा हमारे पास u इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 4 बाई 9 इंटू 8, तो यहाँ पर आ गया 4 2 जा, तो यहाँ पर आ गया u इक्वल्स टू हो गया हमारे पास, यही कर देते हैं, u इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 9 2 18, 1 बाई 18, हमको यहाँ पर u की वैल्यू 1 बाई 18 मिल गई, ठीक है। अब देखो हमें u की वैल्यू भी मिल चुकी है और v की वैल्यू भी हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है, तो अब क्या करो, इस u और v की हेल्प से हम लोग निकालेंगे x और y की वैल्यू, क्योंकि हमने 1/x को माना था ये u के इक्वल है और 1/y को माना था ये v के इक्वल है, ठीक है। तो अब इसको ध्यान से देखना, यहाँ पर हमने क्या कहा था कि हमारे पास जो 1/x है ये बराबर है u के, और जो हमारे पास 1/y है ये बराबर है v के। अब देखो 1/x हमारे पास क्या है, 1/x हमारे पास 1/x है। अब देखो जो हमारे पास u है वो क्या है, 1/18 है। अब ये 1/ हमारे पास y इक्वल्स टू ये क्या है v, और v हमारे पास है 1/36। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x इक्वल्स टू हमको 18 मिल जाएगा और हमें y इक्वल्स टू मिल जाएगा यहाँ पर 36। हमें x और y की वैल्यू यहाँ पर मिल गई, और शुरू में हमने लेट क्या किया था, हमने यहाँ पर शुरू में लेट किया था भैया कि जो हमारे पास एक मैन काम को कितने दिन में फिनिश कर पाएगा, ये हमने लेट किया था। तो बस यही, और क्या लेट किया था, x, और वही हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया x। तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे कि अ मैन, यहाँ लिख दिया हम वन मैन कैन फिनिश वर्क इन, कर दिया हमने यहाँ पर 18 डेज, ठीक है, यहाँ कर दिया वन बॉय कैन फिनिश वर्क इन, कर दिया हमने यहाँ पर 36 डेज, बस यही हमको फाइंड करना था, और यही हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 37 का हमारा सलूशन। आई होप आपको समझ में आ गया, अगर कहीं डाउट हो तो कमेंट करके पूछो। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 38, द लेंथ ऑफ अ रूम एक्सीड इट्स ब्रीथ बाय 3 मीटर्स, इफ द लेंथ इज इंक्रीज बाय 3 मीटर्स एंड द ब्रीथ इज डिक्रीज बाय 2 मीटर्स, द एरिया रिमेन्स द सेम, फाइंड द लेंथ एंड द ब्रीथ ऑफ द रूम। क्वेश्चन जो 38 है ये कह रहा है जो लेंथ है ना रूम की वो एक्सीड हो रही है किससे, ब्रीथ से, कितनी, 3 मीटर
ठीक है, आगे कह रहा है, इफ द लेंथ इज इंक्रीज बाय 3 मीटर एंड द ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 2 मीटर द एरिया रिमेन्स सेम, एरिया रिमेन्स द सेम। अब इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर लेंथ जो है ना रूम की वो 3 मीटर इंक्रीज हो जाएगी और जो ब्रेथ है वो 2 मीटर क्या होगी डिक्रीज हो जाएगी, उसके बाद जो एरिया आएगी वो सेम होगी, किसके सेम होगी, वो पहले वाले एरिया के सेम होगी। ये बात समझ में आई नहीं, अभी हम सब कुछ बताएंगे, बस यहाँ पर क्वेश्चन को थोड़ा सा बस पढ़ लो। यहाँ कह रहा है फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रूम, क्वेश्चन ने यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ की बात की कि भैया फाइंड करो, तो हम लोग ना उसी को सबसे पहले लेट करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे लेट द लेंथ, लेट द लेंथ, लेंथ ऑफ यहाँ पर हमने कर दिया रूम, रूम की हमने लेंथ को लेट कर लिया यहाँ पर एक्स, और इसी तरह लेट कर लिया हमने ब्रेथ, ब्रेथ ऑफ रूम हमने यहाँ लेट कर लिया है वाई। इतनी बात क्लियर है, रूम की लेंथ एक्स हो गई, हमारे पास ब्रेथ हो गई वाई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको पढ़ो, क्वेश्चन ने कहा था लेंथ ऑफ अ रूम एक्सीड इट्स ब्रेथ, जो हमारे पास लेंथ है ना रूम की वो कितनी एक्स है, वो एक्सीड हो रही ब्रेथ से, एक्सीड मतलब क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, ब्रेथ क्या है हमारे पास वाई, कितना हो रहा है 3, यहाँ पर आ गया 3 और ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया, कितना सिंपल था ये इक्वेशन बनाना। अब आगे आ जाओ, आगे क्वेश्चन कह रहा है, अच्छा एक चीज और यहाँ पर इसको आगे सॉल्व करने से पहले देख लो कि देखो अगर हमारे पास कोई रूम है, रूम की लेंथ अगर एक्स है और ब्रेथ हमारे पास वाई है, तो अगर हम लोग एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ रूम अगर निकालते हैं वो क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, वो क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स इंटू वाई। अगर किसी रूम की लेंथ x है और y हमारी ब्रेथ है, तो जो एरिया हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी, एक्स वाई मिल जाएगी। ये बात तो क्लियर हमें पता है, ठीक है। अब क्वेश्चन को बस पढ़ लो आगे, अब क्वेश्चन ने ये कहा हुआ है इफ द लेंथ इज इंक्रीज बाई 3, अब जो हमारे पास लेंथ है वो इंक्रीज हो रही 3 से, हमारे पास लेंथ x है ये इंक्रीज हो गई 3 से, और हमारे पास जो ब्रेथ है वो क्या हो रही, वो डिक्रीज हो रही 2 से, ब्रेथ हमारे पास जो है वो डिक्रीज हो रही 2 से, तो क्वेश्चन कह रहा है द एरिया will be remain the same, ठीक है, जो हमारी एरिया होगी ना वो क्या होगी सेम हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, किसकी इक्वल होगी, जो एरिया हमारी पहले ही आ रही थी इसकी एरिया हमें मिल रही थी वही एरिया हमें यहाँ पर भी मिलेगी, ये क्वेश्चन ने कहा है, इसीलिए ये हमने स्टेप आपको बताया हुआ है। ये बात समझ में आया, क्वेश्चन ने क्या कहा है कि अगर हम लोग यहाँ पर जो लेंथ है इसमें 3 को इंक्रीज कर देंगे और जो हमारी ब्रेथ है वो हमारी 2 डिक्रीज हो जाएगी, तो जो हमारी एरिया आएगी वो सेम आएगी, सेम आने का मतलब जो हमारी पहली एरिया थी वही एरिया अभी भी हमारी रहेगी। ये बात समझ में आ गई, तो चलो अब इसे आगे सॉल्व करो, x का y में मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर एक्स वाई आ गया, अब x का इसमें मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 2x आ जाएगा, अब x 3 का इसमें करेंगे तो यहाँ पर प्लस 3y हो गया और 3 टू जा हमें यहाँ पर मिल जाएगा 6, ठीक है, इक्वल टू हो गया हमारे पास एक्स वाई आ गया। अब क्या करो, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस 2x, यहाँ पर कर दिया प्लस हमने 3y, ये माइनस का इक्वल के इस साइड जाएगा तो प्लस का यहाँ पर आ गया 6, और इसे बोलो ये है हमारे पास दूसरी इक्वेशन। अब हमें पहली और दूसरी इक्वेशन मिल चुकी है, ये रही हमारी दूसरी इक्वेशन और ये है हमारे पास पहली इक्वेशन, पहली और दूसरी इक्वेशन अब हमें मिल चुकी है, तो क्या करेंगे इसको पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हमने x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, ठीक है, और यहाँ कर दिया हमने माइनस 2x प्लस 3y इक्वल्स टू कर दिया 6। अब देखो हमें इन दोनों इक्वेशन में ऐसा कुछ करना है कि ताकि हमारा x या फिर y पूरी तरह कट जाए, तो देखो यहाँ पर x के आगे अगर हम लोग 2 ला दें तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, या फिर y के आगे 3 ला दे तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, हमें एक ही को करना है कैंसिल, तो हम लोग यहाँ पर 2 लाएंगे, 2 कैसे लाएंगे, अगर हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई, यहाँ कर दिया 2 कर दिया, इन इक्वेशन हमने कर दिया यहाँ पर फर्स्ट, पहली इक्वेशन में 2 का अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 2 यहाँ पर भी होगा, 2 यहाँ पर होगा, 3 इंटू 2 यहाँ पर होगा, पूरे में होगा, पूरे में 2 का मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखो जब हमारा 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो दोनों हमारे पास जो एक्स कोफिशियंट है वो सेम हो गए, अब बारी आती है इसके साइन को देखने की, हमने देखा कि यहाँ पर साइन प्लस का है, यहाँ पर साइन माइनस का है, जब भी अलग अलग साइन होते हैं तब हम लोग ऐड करते हैं दोनों इक्वेशन को, तो यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे, तो ऐड करने से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास वाई और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 12, 3 टू जा 6 और 6 और यहाँ पर 6 12 आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर वाई हमको मिल चुका है 12। इतनी बात क्लियर है, अब हमको y मिल गया तो क्या करो, इस y की वैल्यू को उठाओ और इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर दो तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, तो यहाँ पर लिखो पुटिंग, यहाँ कर दी हमने पुटिंग y इक्वल्स टू 12, इन इक्वेशन हमने बोल दिया भैया, इन इक्वेशन फर्स्ट बोल दिया,
तो यहाँ पर हो गया हमारे पास x माइनस 12 इक्वल्स टू हो गया 3, यहाँ पर x इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 15। हमें x की वैल्यू 15 मिल गई, y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 12 मिल गई। अब ऊपर आ जाओ, हमने लेंथ क्या लेट किया था x और ब्रेथ क्या लेट किया था y, हमें x और y मिल गया। तो इसका मतलब जो हमारे पास लेंथ आई है ना वो कितनी आ गई है, x आ गई, जो कि है हमारे पास 15। ठीक है, ये हो गई लेंथ। और ब्रेथ हमने जो लेट की थी वो वाई थी, और ब्रेथ हमें यहाँ पर मिल गई 12, और ये हो गई हमारे पास ब्रेथ। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 38 का हमारा सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि है 39। यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन नंबर 39 है इसमें कह रहा था एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस बाई 8 मीटर स्क्वायर। देखो एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल है ना वो रिड्यूस हो रहा है, कितना, 8 मीटर स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, आगे कह रहा व्हेन, कब रिड्यूस हो रहा, व्हेन इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाई 5, जब उसकी लेंथ 5 कम हो रही है और ब्रेथ इंक्रीज हो रही है 3, तब हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिड्यूस हो रहा है 8। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, आगे आ जाओ, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 मीटर एंड ब्रेथ बाय 2 मीटर द एरिया इज इंक्रीज बाय 74। अगर हमारी जो लेंथ है ना वो 3 मीटर इंक्रीज हो रही, ब्रेथ भी हमारी 2 मीटर इंक्रीज हो रही, तो जो हमारी जो एरिया है ना वो इंक्रीज हो जाएगी 74 मीटर। ठीक है, फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, हमें लेंथ और ब्रेथ को फाइंड करना। तो यहाँ पर हम लोग लेट करेंगे पहले तो क्वेश्चन नंबर 39, इसमें हम लोग लेट क्या करने वाले हैं, यहाँ पर लेट करेंगे लेंथ और ब्रेथ। तो यहाँ लिखा लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की हमने यहाँ पर लेंथ कर लिया है x मीटर। ठीक है, और इसी तरह लेंथ ऑफ, लेट द ब्रेथ, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल हमने यहाँ पर लेट कर लिया है y मीटर, ये हमने लेट कर लिया। अगर अब इसकी हम लोग एरिया निकालें तो एरिया क्या निकलेगी, यहाँ लिखा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो यहाँ पर लेंथ है हमारे पास x और ब्रेथ है हमारे पास y, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें क्या मिल गया, x y मिल गया। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन कह रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाई 8। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास जो x y है ना, यहाँ लिखा हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो हमारे पास है x y रिड्यूस हो रहा है किससे, 8 से हो रहा है। कब हो रहा है, व्हेन इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाई 5 मीटर एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाई 3 मीटर। जब इसकी जो लेंथ है ये x, ये रिड्यूस हो रहा है 5 मीटर, और जो इसकी ब्रेथ है y, ये इंक्रीज हो रहा है किससे, कितना, 3 मीटर, ये हो रहा है। ये कंडीशन हमारी बन गई। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास एक्स वाई माइनस 8, यहाँ पर आ गया हमारे पास एक्स वाई, यहाँ पर आ गया प्लस 3x, यहाँ पर आ गया माइनस 5y, और 5 थीटा हो गया हमारे पास 15, ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर xy से xy कैंसिल हो गया, ये हमारे पास किसका है, प्लस का है, इधर ले आओ। ओके, यहाँ पर इसको ऐसे रहने दो, यहाँ पर हो गया हमारे पास 3x प्लस का, माइनस कर दिया हमने 5y, और देखो ये प्लस का है, इधर ले आओ, ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया माइनस का हमारे पास 15, ये आ गया। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये भी माइनस, ये सॉरी प्लस होगा, ये माइनस का इधर आ जाएगा प्लस, तो हमको मिल जाएगा माइनस 7 मिल जाएगा, वो भी प्लस का। तो यहाँ पर 3x माइनस 5y हमको यहाँ पर मिल गया है 7, और इसे बोलो ये है हमारे पास पहली इक्वेशन। ठीक है, तो पहली इक्वेशन तो हमने यहाँ पर बना ली। अब बात करते हैं दूसरी इक्वेशन की। तो आगे क्वेश्चन ने क्या कहा है, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाई 3 मीटर, अगर हम लोग इंक्रीज कर देते हैं लेंथ, लेंथ हमारे पास x है, इसमें से 3 मीटर इंक्रीज कर देते हैं, और जो हमारे पास विड्थ है इसमें इसको इंक्रीज कर देते हैं 2 मीटर। ठीक है, द एरिया इज इंक्रीज बाई 72, जो हमारे पास एरिया है एक्स वाई ये इंक्रीज हो जाएगी कितनी, 74 इंक्रीज हो जाएगी। बस ये क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ते जाओ लिखते जाओ, हमारा सॉल्व हो जाएगा खुद ही। अब एक्स का इसमें मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर एक्स वाई, और यहाँ पर आ गया हमारे पर प्लस 2x, यहाँ पर आ गया प्लस 3y, और यहाँ पर आ गया 6 इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस हमने कर दिया 74, ये इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ गया हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 74, माइनस हो गया 6, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, 68, ये आ गया। तो यहाँ पर 2x प्लस 3y हमको यहाँ पर मिल गया है 68, क्लियर है। और ये हो गई हमारे पास दूसरी इक्वेशन, क्या हो गई, दूसरी इक्वेशन हो गई। अब देखो पहली और दूसरी इक्वेशन हमने फाइंड कर ली। ठीक है, अब इस पहली और दूसरी इक्वेशन को लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने लिखा पहली इक्वेशन हमारे पास 3x, यहाँ कर दिया माइनस, यहाँ कर दिया हमने 5y इक्वल्स टू कर दिया हमने 7।
ठीक है, ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन हमारे पास 2x माइनस 3y सॉरी प्लस 3y इक्वल टू है 68। ये दो हमारे पास इक्वेशन है। अब इन दो इक्वेशन से कैसे भी करके हमें यहाँ पर x को एक जैसा करना है या फिर y को एक जैसा करना है, आपकी मर्जी, आप किसी को भी एक जैसा बना लो, ठीक है। तो यहाँ पर सोचो हम लोग किसको एक जैसा कर दें कि हमारा यहाँ पर काम बन जाए। अगर हम लोग इन दोनों को एक जैसा कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई, यहाँ हमने कर दिया 2 इन इक्वेशन, देखो 2 का ऊपर वाले में कर दो, 3 का नीचे वाले में कर दो, हो जाएगा काम। इन इक्वेशन फर्स्ट एंड 3 इन इक्वेशन हमने कर दिया सेकंड। इतनी बात क्लियर है। 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो और 2 का यहाँ पर भी होगा, एक सेकंड, ये 3 का होगा, ठीक है। 2 का ही होगा, 3 का नहीं होगा। 2 का और यहाँ पर भी 2 का, यहाँ पर होगा हमारे पास 3 का मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी होगा 3 का मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी होगा 3 का मल्टीप्लाई। 3 2 6x और यहाँ पर 6x, ये हमारा कैंसिल हो गया। अब देखो, अच्छा एक चीज़ और बता देते हैं, कैंसिल क्यों हो रहा है। देखो इन दोनों के आगे साइन कैसा लगा हुआ है, प्लस का लगा हुआ है। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, मतलब जो साइन हमारे हैं ना एक जैसे होते तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करते। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर हमारे पास ये साइन प्लस का है तो यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर भी माइनस आएगा। तो देखो ये माइनस, 5 2 10 और 3 3 9, तो यहाँ पर हमें कितना मिल जाएगा, 19y मिल जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो आप पहले इजिली मल्टीप्लाई कर लेना फिर लिखना वैल्यू को, तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। वैसे कोई दिक्कत नहीं, देखो 5 × 2 करो 10 आ गया, ठीक है। 3 × 3 करो 9 आ गया। दोनों के आगे माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 19y आ गया। इतनी बात यहाँ पर क्लियर हो गई, ठीक है। ओके, यहाँ पर है हमारे पास, ठीक है, वो भी ये साइन हमारा माइनस कराएगा, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर हमारे पास कितना है, यहाँ पर है हमारे पास 7 2 14, इसको हम क्लियर कर देते हैं। यहाँ पर 14 प्लस का है और यहाँ पर है हमारे पास 68, तो 3 3 8 हो जाएगा 24, 4 2 18 19 20, ये आ गया हमारे पास। यहाँ पर माइनस, अब देखो 204 में 14 को माइनस करो तो 190 आ जाएगा हमारे पास, 190, वो भी ये किसका आएगा, माइनस का आएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, 19 से ये कैंसिल, तो हमें y की वैल्यू यहाँ पर मिल गई है कितना, 10 मिल जाएगी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर y की वैल्यू निकाल ली, ओके। अब हमें y की वैल्यू मिल गई तो क्या करो, इस y की वैल्यू को उठाओ और इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दोगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे पुटिंग y इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन, हमने कर दिया यहाँ पर फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 7 इक्वल्स टू 3x माइनस 5 इंटू हमने कर दिया 10। यहाँ पर आ गया हमारे पास 50, ठीक है। 50 ये माइनस का, इधर चला जाएगा प्लस का, तो 7 प्लस हो गया हमारे पास 50 इक्वल्स टू हो गया हमारे पास 3x, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 57/3 इक्वल्स टू हो गया x। देखो ये मल्टीप्लाई इधर भेज दिया डिवाइड में, 3 करोगे 3 1 3 3 9 27, तो x हमको यहाँ पर मिल गया 19। एक्स हमको 19 मिल गया और वाई हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया था जो कि 10 है। और हमने यहाँ पर लेट क्या किया था, हमने लेंथ लेट की थी एक्स और वृत्त हमने लेट की थी वाई, तो लेंथ और वृत्त हमें दोनों मिल गई है। तो यहाँ पर लेंथ हो जाएगी हमारे पास रेक्टेंगल की, वो हो गई 19, और जो वृत्त हो जाएगी रेक्टेंगल की वो हो गई हमारे पास 10, और यही हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39 का हमारा सोल्यूशन। समझ में आ गया, तो है ना कितना ईजी क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 39 कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 40 आपको दिख रहा है ना, ये क्वेश्चन बिल्कुल 39 की तरह ही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन 40 कह रहा था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 67 स्क्वायर मीटर्स व्हेन इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 मीटर एंड ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय 4 मीटर। इफ द लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 1 मीटर एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 4 मीटर, द एरिया इज इंक्रीज्ड बाय 89 स्क्वायर मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। अब हमें यहाँ पर डायमेंशन फाइंड करनी है। डायमेंशन का मतलब क्या हो रहा है कि भैया रेक्टेंगल की ऐसा डायमेंशन क्या होगी, लेंथ और ब्रेथ, यही तो इसकी डायमेंशन है। तो हमें यहाँ पर बेसिकली लेंथ और ब्रेथ को करना है फाइंड, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी चीज़ लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग पढ़ते जाएंगे और इक्वेशन बनाते जाएंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट हमें यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ गई है कि हमें फाइंड क्या करना है, डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब हो रहा है कि भैया जो रेक्टेंगल है ना उसकी लेंथ, और हमें यहाँ पर ब्रेथ को करना है फाइंड। इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब जो चीज़ हमें समझ में आ गई है तो उसको ना जल्दी से हम लोग लेट कर लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है भैया, लेट करना। क्या लेट करना, जो भी चीज़ पूछी जाए हम लोग मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कुछ भी। तो यहाँ पर होता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40 और यहाँ पर हमने लिखा लेट द लेंथ,
ठीक है, लेंथ ऑफ हमारे पास क्या है ये, ओके ये है रेक्टेंगल है ना, यहाँ कर दे रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इक्वल्स टू हमने यहाँ पर लेट कर लिया है एक्स, क्लियर है। और इसी तरह हमने यहाँ पर लेट कर लिया है लेट द ब्रेथ, ब्रेथ हमने यहाँ पर लेट कर लिया है वाई, ठीक है, मीटर में बोला है तो मीटर में यहाँ पर कर दो, ये हमने लेट कर लिया। अब इसकी अगर हम एरिया निकालें, क्या निकालें, एरिया, एरिया ऑफ हमने यहाँ कर दिया रेक्टेंगल, तो क्या हो जाएगा भैया, लेंथ इन टू ब्रेथ मतलब एक्स वाई, ये आ जाएगा, इतनी बात क्लियर है। अब क्वेश्चन को पढ़ना चालू करो, तो यहाँ लिखा हमने अकॉर्डिंग टू, यहाँ कर दिया हमने क्वेश्चन, क्वेश्चन के हमें अकॉर्डिंग आते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 40 है, ये कह रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस बाय 67, एरिया ऑफ जो रेक्टेंगल है ना ये रिड्यूस हो रहा है, कितना रिड्यूस हो रहा है, 67 रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। व्हेन इट्स लेंथ इज इंक्रीज बाय 3 मीटर, जो इसकी लेंथ है ना एक्स वो इंक्रीज हो रही है 3 मीटर, ठीक है। और आगे कह रहा है ब्रिथ इज डिक्रीज बाई 4 मीटर, जो ब्रिथ है इसकी वो डिक्रीज हो रही है 4 मीटर, ये हो गया हमारे पास। अब इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास एक्स वाई माइनस 67, यहाँ पर हो गया एक्स वाई, यहाँ पर एक्स कैसे मल्टीप्लाई, तो माइनस 4x, और यहाँ पर हो गया हमारे पास प्लस 3y, और यहाँ पर हो गया माइनस 3 4 12, इससे हमारा ये कैंसिल हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखो इसको उठा के हम लोग इधर ले आते हैं, तो यहाँ पर हो गया हमारे पास ये माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का होगा 4x, ये हमारे पास प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का 3y, इक्वल्स टू ये माइनस 12 है, इसको ऐसे लिख दो, यहाँ पर माइनस का ना इधर आ जाएगा, ये प्लस का हो गया 67, इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास प्लस का 55 आ जाएगा, ये आ गया, यहाँ पर हो गया 4x माइनस 3y, और इसको बोलो ये है हमारे पास पहली इक्वेशन, समझ में आ गया। तो हमने पहली इक्वेशन बना ली, अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको देखो, आगे क्वेश्चन ने कहा हुआ है भैया, कह रहा है इफ द लेंथ इज रिड्यूस बाय 1, जो उसकी लेंथ है, लेंथ है हमारे पास कितनी एक्स है, वो रिड्यूस हो रही है कितनी 1, ठीक है। और फिर आगे इसके कहा हुआ है ब्रिथ इज इंक्रीज बाय 4, जो ब्रिथ है वो इंक्रीज हो रही है 4 से, ठीक है। सो द एरिया इज इंक्रीज बाय 89, जो इसकी एरिया है जो एक्स वाई है वो इंक्रीज हो रही है कितनी 89 इंक्रीज हो रही, लो बन गई दूसरी कंडीशन। अब इसको यहाँ पर इसको सॉल्व करो, एक्स इंटू वाई मतलब एक्स वाई, एक्स इंटू 4 तो यहाँ पर हो गया प्लस का 4x, माइनस का इसमें कर दो तो माइनस वाई, और माइनस का यहाँ पर 4 इक्वल्स टू एक्स वाई, यहाँ पर हो गया प्लस 80, यहाँ पर हो गया 9, एक्स वाई कैंसिल, यहाँ पर हो गया हमारे पास 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 89, ये माइनस का इधर चला जाएगा प्लस का हो गया, इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 93 हो गया, और यहाँ पर हो गया हमारे पास 4x माइनस वाई, और इसको बोल दो ये है हमारे पास दूसरी इक्वेशन, ये है हमारे पास दूसरी इक्वेशन, ठीक है। पहली और दूसरी इक्वेशन हमने निकाल लिए, अब देखो इन दोनों को हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पर लिखा हमने 4x माइनस 3y, ठीक है, इक्वल्स टू है 55, अब यहाँ पर हमारे पास 4x माइनस वाई इक्वल्स टू है 93, ये दोनों हैं हमारे पास, क्लियर है। अब यहाँ पर ना इन दोनों इक्वेशन में हमने देखा कि x तो एक जैसा है, बट यहाँ पर साइन भी एक जैसा है, जब साइन सेम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों जो हमारे पास इक्वेशन है इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट, कब करते हैं, जब हमारे पास जो भी वेरिएबल होता है जिसको हम लोग इक्वल बनाए होते हैं, जैसे कि यहाँ पर 4x है, इसके आगे साइन कैसा लगा हुआ है, प्लस का है, सेम है दोनों का साइन, प्लस हो या माइनस हो उससे फर्क नहीं पड़ता, बस सेम है, प्लस ये भी, तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमेशा याद रखो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन क्या होगा चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर माइनस है, ये इससे कैंसिल हो गया, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ये प्लस का ये माइनस का, तो ये माइनस का 2y, और ये माइनस है वो प्लस है, तो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, ओके ये हो गया हमारे पास कितना 38 आ जाएगा, हाँ ठीक है 38 है, वो भी माइनस का, माइनस से माइनस किया 2 से ये गया, तो हमें वाई यहाँ पर मिल जाएगा 19, देखो वाई की वैल्यू हमें यहाँ पर 19 मिल गई, ठीक है। अब हमें वाई की वैल्यू मिल चुकी है, तो हम लोग क्या करेंगे एक्स की वैल्यू निकालेंगे, कैसे, इस वाई की वैल्यू को पुट करेंगे किसी भी एक इक्वेशन में, तो यहाँ लिखा पुटिंग वाई इक्वल्स टू, यहाँ पर आया था हमारे पास 9 है ना, 9 है कि 19 है, यहाँ कर दिया हमने इन इक्वेशन, हमने कर दिया फर्स्ट, ठीक है, तो यहाँ कर दिया 4x माइनस यहाँ पर हो गया 3 into 19 इक्वल्स टू 55, तो यहाँ पर आ गया 4x
यहाँ पर हो गया 55, ये माइनस का है इधर चला जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर आ गया हमारे पास 57, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 5, 6, 7, 10, 11, यहाँ पर 4, यहाँ पर आ गया 4, 4 2 8 है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 8 4 8 32, बस। तो x यहाँ पर मिल गया 28, हमें x यहाँ पर 28 मिल चुका है। y हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया जो कि है 19। अब क्वेश्चन में सबसे पहले हमने क्या लेट किया था, हमने लेंथ लेट किया था x और y लेट किया था वृत्त को, और यही हमने फाइंड कर लिया। तो यहाँ पर हमें लेंथ जो मिला है वो मिल गया है 28, और जो वृत्त है हमारे वो है हमारे पास 19। बस ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 40 है ये हो गया हमारा कंप्लीट, समझ में आ गया। अब हम लोग आगे के जो क्वेश्चन है वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की लिंक मिलेगी आपको डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको वीडियो समझ में आ रही, अच्छी लग रही, तो कमेंट करके ज़रूर बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।